जय भारत। बहुत खुश हूँ सुबह से ही, और कारण ये था ना कि हमारा भारत जो है आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो कि चंद्रयान 3 था। ठीक है, बहुत अच्छे से वो आज लैंड कर गया 6:04 में। हम लोग पूरा लाइव देख रहे थे और मेरे साथ कार्तिक भाई भी देख रहे थे। क्या भाई? यस, मजा। और हम लोग को बहुत मजा आया, और हमारा इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और ये एक इंडिया के डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडिया में जो इतने अच्छे पीएम जो है, जो सपोर्टिव है, जो कि 4 में रिकव बना दिए, ठीक है, हेल्प किए, ठीक है, बनाने में फिर से चंद्रयान 3 का। वो और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो इतना फास्ट काम नहीं होता जितना वो करवाए। ठीक है, तो सल्यूट मोदी जी को भी है, समझे। और बाकी हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो कि चंद्रयान 3 में थे, जो बहुत मदद की है, क्या भाई, उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनको भी दिल से सल्यूट है। क्या भाई, इंडिया का प्राउड मोमेंट है, और वो इंडिया का बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। आज हम लोग सुबह से मैं यही टाइम का इंतजार कर रहा था। घर आते ही मैंने लाइव लगाया, कम से कम 1 पहले से मैंने लाइव देख रहा था, और बहुत मजा आया। क्या मस्त लैंडिंग है वहाँ पर, और फाइनली हम लोग चांद से अब ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लोग बोलते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा घर के हो गए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी, जय मोदी जी। लुकिंग एट द विजुअल्स, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।